प्रश्न, उस व्यक्ति के रोजे का क्या हुक्म है जिसने बिस्तर पर जाने से पहले रमजान के पूरे महीने का रोजा रखने की नियत की, फिर वो अगले दिन सेहरी के लिए जागा तो उसे बताया गया कि रमजान अभी शुरू नहीं हुआ है और आज का दिन शाबान का 30वां दिन है। अगले दिन उसने अपनी नियत को नवीकृत नहीं किया और वह इस पवित्र महीने का रोजा रखने लगा। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। रात से ही नियत का गठन करना अनिवार्य रोजे के सही होने के लिए शर्त है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फज्र से पहले रोजे की नियत नहीं की उसका रोजा नहीं है। इसे अबू दाऊद हदीस संख्या 2454 ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इरवाउल गलील हदीस संख्या 914 में सही कहा है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने कहा, हमारा अर्थात शाफईया का विचार यह है कि रमजान का रोजा रात ही के समय से नियत करने से सही होता है। यह कथन इमाम मालिक, अहमद, इसहाक, दाऊद तथा पहले और बाद की पीढ़ियों के विद्वानों की बहुमत का भी है। लेकिन नियत का मुद्दा बहुत आसान है। चुनांचे आपको यह ज्ञात हो जाने के बाद कि कल अगला दिन रमजान का है, आपका मात्र रोजा रखने का इरादा और संकल्प करना ही नियत है। उसको जोर से बोलना अर्थात शब्दों में उच्चारण करना शर्त नहीं है, बल्कि यह बिदअत और धर्म संगत नहीं है। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, जिस व्यक्ति को भी यह पता है कि अगला दिन रमजान का है और वह उसका रोजा रखना चाहता है तो उसने उसके रोजे की नियत कर ली, चाहे वो शब्दों में जोर से नियत करे या शब्दों में जोर से नियत ना करे। यही अक्सर मुसलमानों की प्रथा है, वे सभी रोजे की नियत करते हैं। शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह ने अशरहुल मुमते में कहा, किसी स्वैच्छिक कार्य से इरादे का पीछे रहना संभव नहीं है, अर्थात कोई भी काम जिसे मनुष्य स्वैच्छिक रूप से करता है उसमें नियत का होना जरूरी है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कुछ लोगों का जो वसवसा अर्थात भ्रम होता है, जब वो कहता है कि मैंने नियत नहीं की, यह एक भ्रम है जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। यह कैसे सही हो सकता है कि उसने नियत नहीं की जबकि उसने नियत की है। उद्धरण समाप्त हुआ। रमजान के पूरे महीने का रोजा रखने की पहले दिन से ही नियत करना नियत में पर्याप्त है, जब तक कि वह यात्रा या बीमारी की वजह से रोजे को बाधित नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वो अपनी नियत को नवीकृत करेगा, लेकिन यह शर्त नहीं है। चुनांचे यह शर्त नहीं है कि मुसलमान महीने की शुरुआत ही में रमजान के पूरे महीने का रोजा रखने की नियत करे। यदि उसने रमजान के महीने की हर रात में रोजे की नियत कर ली और फिर रोजा रखा तो उसका रोजा सही है। इब्नुल कत्तान रहमहुल्लाह ने फरमाया, विद्वानों ने इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि जिस व्यक्ति ने रमजान के महीने की हर रात को रोजे की नियत की और फिर रोजा रखा तो उसका रोजा पूरा हो जाता है। परंतु यदि प्रश्नकर्ता का मतलब यह है कि उसने रोजे की नियत को नवीकृत नहीं किया, यहाँ तक कि रमजान का पहला दिन शुरू हो गया और वह इस बात से अनभिज्ञ था कि यह दिन रमजान का है, फिर उस दिन के फज्र के उदय होने के बाद उसे याद आया कि वो रमजान का दिन है और उसने रात के किसी भी समय यह नियत नहीं की वो कल अर्थात अगले दिन रमजान के पहले दिन का रोजा रखेगा और ना तो वह उस दिन के रोजे की सेहरी करने के लिए उठा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उस समय ही से खाने पीने से रुक जाना अनिवार्य है। जब उसे पता चलता है कि वो रमजान का दिन है, फिर वो बाद में उस दिन की कजा करेगा, क्योंकि नियत को रात से ही करना जरूरी है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।